हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम समीर है और आपका समीर ब्लॉग चैनल पर स्वागत है। वैसे तो आप थंबनेल और टाइटल लेकर समझ ही गए होंगे कि आज हम कहाँ का जो अपडेट और घुमाने वाले हैं आप सबको। तो चलिए, आज हम आए हैं जो कोसी महासेतु है वहाँ पर आए हैं और हसनपुर कुपवा हॉल पर जो घूमने का भी चौक था। चलिए आपको लेकर चलते हैं, पहले कोसी ब्रिज को दिखाते हैं, महासेतु को। अभी जो है वर्तमान में इसलिए अभी भी काम चल रहा है कोसी ब्रिज पर। और जो है जो पानी का रफ्तार देखिए कितना ज़्यादा है। आज इसको हम खास तौर पर देखने और आपको दिखाने के लिए आए हैं, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। और अभी इस रूट पे जो है जो तीन जोड़ी जो ट्रेन का जो परिचालन होता है सहरसा से जो दरभंगा तक जाती है। चलिए आपको जो है महासेतु दिखाते हैं आपको, और उसके बाद जो है हसनपुर को बावल को लेकर चलेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक या चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का जो है अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपका महासेतु जो बहुत बड़ा है, और उसके बगल में जो है वो भी पुल है, और इसके नीचे देखिए पानी की रफ्तार। ये पानी जो है नेपाल से आती है और जो है जो बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इस नदी के वजह से जो है जो कितने लोगों का जो है ज़मीन जो है इस नदी में है। ये नदी जो अपने अंदर समाये रखी हुई है, और इस नदी के चक्कर से जो है बहुत बिहार में जो है खासतौर पर बिहार में जो बहुत जो है जो फसलों का जो है नुकसान होता है, जो किसानों का नुकसान होता है सिर्फ इस नदी के वजह से। तो इस नदी में सबसे ज़्यादा पानी छोड़ा जाता है। ये कुछ नज़ारा है यहाँ पर का, आप देख सकते हैं। मौसम बहुत ठंडा है, बहुत खूबसूरत जगह है ये हसनपुर कुपवा हॉल के, यानी कि यहाँ से होगा 1 किलोमीटर होगा हसनपुर कुपवा हॉल। आप देख सकते हैं कि अभी भी इस जो ब्रिज के ऊपर जो है काम चल रहा है, तो जो है अभी भी एल्डिंग बेल्डिंग का जो है काम चल रहा है। अभी आ रहे थे तो देखें उधर। चलिए कुछ नज़ारा आपको दिखाते हैं नदी का। आदमी को चलने के लिए भी दिए हुए हैं, और इस तरफ जो है ट्रैक हो गया, और ये रहा देखिए नदी। बिहार में जो बाढ़ आने का कारण जो है यही नदी है। ये नदी जो है अपने साथ साथ जो है सबका जो है मेहनत को भी बहा करके लेके चली जाती है। जैसा सीन है यहाँ पर, और कुछ ऐसा नज़ारा है इस तरफ का, आप देख सकते हैं। हवा बहुत ही शानदार चल रहा है, लोग नहा धो भी कर रहे हैं यहाँ पर पुल के नीचे में, आप देख सकते हैं। जो रेल का परिचालन हो जाने से इस एरिया के लोगों को जो है बहुत ही आराम हुआ। जो मिथिलांचल और सीमांचल को ये पुल जो है जोड़ता है, ये बहुत अहम पुल है। इसके वजह से जो है करोड़ों लोगों का जो है जो फ़ायदा हुआ है इस पुल को जो बन जाने से, और इस पर जो है रेल का परिचालन। ये दो पुल जो है, एक रेलवे का और एक जो पुल है जो है ना 57 वाला, उसका जो है मिथिलांचल और सीमांचल को जो है जोड़ने का अहम जो रोल है भूमिका है। ये दोनों नहीं है तो मिथिलांचल और सीमांचल जो है कट जाएगा ये दोनों पुल की वजह से। तो चलिए आपको अब लेके चलते हैं हम जो हसनपुर कुपवा हॉल पर, और दिखाते हैं कि अभी कैसा दिखता है। यहाँ पर से और भी खूबसूरत लगता है, ये दोनों ब्रिज के बीच में अभी मैं खड़ा हूँ। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है,
बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है इस ब्रिज के ऊपर से, आप देख सकते हैं उस ब्रिज का भी और इस ब्रिज का भी। चलिए लेके चलते हैं आपको आसनपुर कुफा हॉल्ट पर। जो अब मैं आ चुका हूँ जो आसनपुर कुफा हॉल्ट पे आ चुका हूँ, और अभी ये सिंगल लाइन ही है यहाँ पर, और जो है एक ही प्लेटफार्म है क्योंकि छोटा सा हॉल्ट है ये। आने वाला दिन में जो है ये हो सकता है कि जंक्शन का रूप ले ले, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसी सीधे जो है जयनगर जो पड़ता है स्टेशन, जो नेपाल के बॉर्डर के काफ़ी करीब है, और ये आने वाला दिन में जो है ये बिजी रूट हो जाएगा। ये बहुत ही अहम रूट है ये दरभंगा और सरायगढ़ वाली। तो अभी तो मैं आसनपुर कुफा हॉल्ट पर हूँ, और चलिए आपको दिखाते हैं कि जो कैसा दिखता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का जो है ब्लॉग और अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए आपको दिखाते हैं आसनपुर कुफा हॉल्ट। अभी मैं बीच में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं इस तरफ जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है ये स्टेशन, यानी कि हॉल्ट छोटा सा है। और जो खाना बदोश लोग है, यानी कि अभी जो है बसेरा किए हुए हैं प्लेटफार्म के ऊपर, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत ही ऊंची जगह पर है, ऊंचाई है इस जो प्लेटफार्म का, और वो बगल में जो है NH-57 है गुजर रहा है, आगे जो है टोल बूथ भी है, कुछ इस तरीके का जो है अभी दिख रहा है जो प्लेटफार्म। अब चलिए आपको लेके चलते हैं नीचे। इस हॉल पर भी जो क्या शेड लगा हुआ, शेड दिखाता हूँ आपको, 1, 2, 3, 4 तो इधर हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 शेड है इस हॉल के ऊपर। और कुछ इस तरीके का जो है व्यू है, सामने आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगा चारों तरफ इस हॉल के, और बहुत शानदार हॉल है ये, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। अभी आए तो हमको बहुत दिल लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हवा और ऊंचाई काफ़ी है, इसके कारण जो है हरियाली भी है, मनमोहक हॉल है ये, दृश्य जो है बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर से देखने में। और ये सामने जो है स्कूल है दिख रहा है यहाँ पर, सरकारी स्कूल है ये, आप देख सकते हैं। अभी आपको नीचे भी ले चलेंगे जो स्टेशन भवन है, दिखाने के लिए जो ट्रेन का टाइमिंग और टिकट रेट वगैरह दिखा देंगे आपको। कुछ ऐसा लगता है यहाँ पर से ये हॉल्ट नीचे का, ये सीढ़ी से ही आए हम, तो सीढ़ी भी है। और इस हॉल्ट के ऊपर जो है दो शौचालय भी दिखा है ऊपर के तरफ, एक यहाँ है, एक इस जो प्लेटफार्म के छोर पे है, और एक जो है उस तरफ है प्लेटफार्म के उस छोर पे। और ये रहा बोर्ड आसनपुर कुफा हॉल्ट का। बहुत ही खूबसूरत जो दृश्य है यहाँ पर का। अब चलिए लेके चलते हैं आपको स्टेशन भवन के पास, और स्टेशन भवन को दिखाते हैं आपको। ये सीढ़ी हो गया और ये हॉल हो गया। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं स्टेशन भवन के अंदर, और दिखाते हैं जो ट्रेन का टाइमिंग। यहाँ से टिकट वगैरह मिलता है, और ये कुछ जो गाड़ी का नंबर है और टाइमिंग है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, ट्रेन का जो है टाइमिंग है।
और इधर शौचालय है इनका पर्सनल, और ये टिकट खिड़की है, और यहाँ पर रेट लिखा हुआ है। ये कुछ नज़ारा है दोस्तों, आपको मैंने आसनपुर कुफा हॉल दिखाया, ट्रेन का क्या टाइमिंग है उसको भी दिखाया, और पूरा हॉल को भी जो है दिखाया, और ब्रिज के पास भी दिखाया। बहुत ही खूबसूरत ये हॉल है, और ब्रिज के पास भी बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, और इस जगह का जो है आसपास का दृश्य भी जो मनमोहक है। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का जो है अपडेट और व्यू आपको भी मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।